नमस्कार दोस्तों, बीबीसी कंप्यूटर के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे बीबीसी की एक नई लॉन्च कैबिनेट, जिसका मॉडल नंबर है आपका PMK1। इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसमें मैं आपको सारे डिटेल्स फीचर्स बताऊंगा कि इसके अंदर आप क्या क्या फिट कर सकते हैं, लेंथ, वेथ, हाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी इसके सारे फीचर्स हैं वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। सबसे पहले हम देख सकते हैं इसके अंदर एक यहाँ पे फैन रखा हुआ है, ये आपका रेनबो LED है, इसको हम बाद में देखेंगे। हमने कैबिनेट को इसमें से बाहर निकाल लिया है। ये हमें कुछ इस तरह की कैबिनेट की पैकिंग मिलेगी। ये आपकी ओवरऑल कैबिनेट इसके अंदर दिखेगी, आप देख सकते हैं इसको चारों तरफ से। ये इसका साइड पैनल है और अगर हम स्टाइल की बात करें तो इसके आगे से भी पैनल को अलग तरीके से बनाया गया है। ये इसका टॉप पैनल है, ये इसमें एक 3.0 दिया गया है, ये आपका रिस्टार्ट का बटन है, ये आपका पावर के लिए है, ये आपके दो 2.0 USB हैं, इसके साथ ये आपका साउंड पैनल दिया गया है। इसके अगर हम साइड पैनल की बात करें तो ये बहुत ही शानदार है, ये आपको अलग से स्टाइलिश मॉड्यूलिंग दी गई है इसमें, जो कि आपके PC को, और अगर इसके अंदर आपने कोई फ़ैन लगा रखा है तो उसको एक अलग ही लुक से फॉलो की करेगी। और इसी के साथ साथ इसमें यहाँ ये DVD राइटर लगाने के लिए दिया गया है, जिससे कि आप अपने DVD राइटर लगाने के बाद हाइड कर सकते हैं, ये कहीं नॉर्मली शो नहीं होगा, जिससे कि आपकी कैबिनेट का लुक खराब नहीं होगा। अब हम बात करेंगे इसकी लेंथ, वेथ और हाइट की, कि कैबिनेट की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई कितनी है। तो सबसे पहले हम लंबाई ऊंचाई की बात करें तो ये आपकी ज़मीन से अप्रोक्स 53 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है,
अब हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये आपकी अप्रोक्स 44 के राउंड में, 44 सेंटीमीटर और अप्रोक्स 17 इंच। अब हम इसकी बात करते हैं चौड़ाई की, तो ये इसकी ओवरऑल चौड़ाई है आपकी अप्रोक्स 25 सेंटीमीटर, नियर अबाउट 10 इंचेस। अब हम इसके साइड पैनल को ओपन करेंगे और देखेंगे इसके अंदर हमें क्या क्या मिलेगा और किस तरीके के फीचर इसके अंदर दिए गए हैं। जैसा कि हमने देखा था कि इसकी लेंथ वेंथ और हाइट बहुत ही अच्छी थी, तो इसके वजह से इसके अंदर बहुत ही अच्छा स्पेस है जिसके अंदर आप अपने किसी भी मदरबोर्ड या हार्ड डिस्क वगैरह को फिट कर सकते हैं। एक अच्छा स्पेस होने की वजह से आप इसके अंदर अपना ATX, IATX, माइक्रो ATX मदरबोर्ड फिट कर सकते हैं। अब हम जैसा कि देख सकते हैं इसके अंदर एक हमें स्क्रू दिए गए हैं जो कि आपके ब्लैक कोटेड हैं, आजकल यही गेमिंग केसेस में आ रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम इसकी बात करें इसकी वायर्स की, तो ये आपकी वायर्स इसके साथ दी गई हैं। ये इसकी वायर्स हैं, वायर्स की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हाई क्वालिटी की है। ये आपकी HD ऑडियो के लिए पोर्ट है और ये आपका USB है, ये 3.USB है और ये आपके पावर रिस्टार्ट और पावर LED और हार्ड डिस्क LED वगैरह के हैं। अब इसके अंदर हम मदरबोर्ड की अगर बात करें तो हम इसमें मिनी ATX, ATX, IATX तक मदरबोर्ड इसके अंदर फिट कर सकते हैं। हार्ड डिस्क की अगर हम बात करें तो आप इसमें 2 SSD या 2.5 इंच की हार्ड डिस्क यहाँ पे फिट कर सकते हैं, एक DVD राइटर टॉप पे फिट कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें जो दो आप 3.5 इंच की हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर सकते हैं वो जो है आपकी हमें बैक साइड में शो होंगी, तो इसके लिए हम, क्योंकि इसमें डाउन साइड PSU का फीचर है तो हार्ड डिस्क का फीचर भी वहीं पे है। हम इसको बैक पैनल ओपन करते हैं, अभी हम इसको बैक पे आते हैं। तो ये आपका PSU के लिए है, आप यहाँ पे PSU माउंट कर सकते हैं अपना, PSU के लिए भी माउंट करने के लिए बहुत अच्छा साइज दिया गया है। और ये आपकी हार्ड डिस्क का, जैसा मैं आपको बता रहा था, आप इसके अंदर ये दो ब्रैकेट दिए गए हैं, इसके अंदर आप 3.5 इंच की दो हार्ड डिस्क फिक्स कर सकते हैं। साथ में अगर आप चाहें कि अगर आपका SSD या 2.5 इंच की हार्ड डिस्क ज़्यादा है और आपका 3.5 इंच नहीं फिट करना चाहते, तो 2 SSD मैंने आपको बताया कि आप इस तरह यहाँ पे फिट कर सकते हैं, और 2 SSD आप इसमें भी, एक इसमें और एक दूसरे में भी फिट कर सकते हैं। मीन्स आप टोटल 4 SSD फिट कर सकते हैं, या फिर 2.5 इंच की दो और 3.5 इंच की दो हार्ड डिस्क फिट कर सकते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे इसके PSU की, तो PSU का आप देख सकते हैं बहुत अच्छा स्पेस दिया गया है, आप इसमें काफ़ी लॉन्ग PSU भी इंस्टॉल कर सकते हैं। केबल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें केबल मैनेजमेंट के लिए स्पेस दिए गए हैं, ये आप यहाँ से अपनी वायर्स अंदर ले सकते हैं, यहाँ से अपनी वायर्स अंदर ले सकते हैं, डायरेक्ट PSU की वायर्स अंदर ले सकते हैं। और बाकी इसमें केबल मैनेजमेंट का भी सेटअप अच्छा दिया गया है। अगर हम इसकी डाउन साइड की बात करें तो इसमें चार आपके प्लास्टिक के स्टैंड दिए गए हैं जिससे कि आपकी कैबिनेट में किसी भी तरह की वाइब्रेशन नहीं होगी, वो भी अगर हम बात करें तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के दिए गए हैं। और साथ में डाउन साइड इसमें एक डस्ट कवर भी दिया गया है जो कि आपकी PSU के लिए है। मेरे से कई बार लोगों ने क्वेश्चन किया है कि सर इस कैबिनेट्स के आपकी के फ्रंट पैनल रिमूवल होते हैं या नहीं, तो इस कैबिनेट की अगर हम बात करें तो इसका फ्रंट और टॉप पैनल दोनों रिमूवल है। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आप अपना हैंड हाथ जो है वो नीचे की तरफ यहाँ पे पुल करेंगे, उसके बाद इसको आपको बस कैबिनेट ब्रैकेट को ऊपर की तरफ पुश करना है,
ये मैंने पुश किया, ये देखिए आपका आ गया। आप डीवीडी एडिटर अगर लगाना चाहते हैं, सबसे पहले फ्रंट पैनल को ओपन कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप इजीली डीवीडी एडिटर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे आपके दो 120 mm के दो फैन लग सकते हैं। टोटल आप 240 mm के फैन लगा, टोटल दो 120 mm के फैन लगा सकते हैं, या 240 mm तक का वाटर कूलर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम इसके टॉप पैनल को रिमूव करेंगे। सबसे पहले अगर आप टॉप पैनल रिमूव करते हैं, तो सबसे पहले चेक कर लीजिए कि आपकी वायर जो है ये अंदर फ्री होनी चाहिए, नहीं तो ये वायर्स आपकी टॉप पैनल को रिमूव करते टाइम स्ट्रेच हो सकती हैं, मीन्स टूट सकती हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपनी वायर्स को खोल लें, उसके बाद आप इसको यहाँ से पुल करें, ये आपका टॉप पैनल बाहर आ गया। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपके टॉप पैनल में भी यहाँ पे आपके 120 mm के दो फैन, या आप 240 mm का इसमें वाटर कूलर इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर हम और फैन की बात करें, तो आप यहाँ पे एक और एक दो फैन और इंस्टॉल कर सकते हैं। टोटल ओवरऑल अगर हम इस चेसिस में फैन की बात करें, तो आपके दो फैन टॉप पे 120 mm के, एक यहाँ रेयर में, दो ये बॉटम में, और दो आप फ्रंट में फिट कर सकते हैं। तो टोटल ओवरऑल आपके हो गए 7 फैन आप इसमें। अब हम इसमें बात करेंगे कि आप अपने पैनल्स को वापस कैसे इंस्टॉल करेंगे। इस कैबिनेट में आप अगर अपना पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि आप अपना टॉप पैनल इंस्टॉल करें। तो टॉप पैनल आप लगाइए, उसके बाद आप इसको अपना इजीली फिट कीजिए। जब हम इसको ओपन अपना फ्रंट और टॉप पैनल निकालते हैं, तो आपको सबसे पहले फ्रंट पैनल खोलना होता है। लेकिन जब आप इस कैबिनेट में वापस से इंस्टॉल करते हैं अपना फ्रंट और टॉप पैनल, तो टॉप पैनल आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा, जिससे कि आपका फ्रंट पैनल ईजिली आपका फिक्स हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, निकालते और इसको बंद करते टाइम बिल्कुल ईजी हाथों से इसको यूज कीजिए, जिससे कि आपका किसी भी तरह का कोई कनेक्टर या सॉकेट आपका डैमेज नहीं होगा। ये हमने इसका टॉप पैनल और फ्रंट पैनल इंस्टॉल कर दिया। अब हम बात करते हैं इसमें एयर फ्लो की। तो अगर एयर फ्लो के लिए बात करें, तो आप यहाँ देख सकते हैं, जब हम इसके फ्रंट में फैन इंस्टॉल करेंगे, तो एयर फ्लो के लिए यहाँ से इसमें स्पेस दिया गया है साइड से, जहाँ से कि आपकी एयर इंटेक होगी। ये आपके जो फ्रंट में ये दिए गए हैं, ये शो के लिए भी नहीं है, ये आपकी एयर फ्लो के लिए हैं। और अगर हम बात करें, तो इसके बॉटम में भी यहाँ पे ही बहुत अच्छा स्पेस दिया गया है, जो कि आपकी एयर को सक करने के लिए है, कि जब भी आपके फ्रंट के फैन रनिंग करेंगे, तो ये आपका इधर से, यहाँ से और बॉटम से एयर सक करेगा। हम बात करें अगर टॉप की, तो टॉप में आपके एयर के लिए ये स्पेस दिया गया है। ये जो आपका स्पेस है, ये शो के लिए नहीं है, ये शो के साथ साथ आपकी एयर के लिए है। अगर आप एयर बाहर पुश कर रहे हैं, मींस आप बाहर निकाल रहे हैं, तो ये आपका यहाँ से दूसरी साइड भी सेम है, वो आपका दोनों साइड से एयर बाहर निकालेगा। और अगर आप एयर अंदर ले रहे हैं कूलिंग के लिए, और तो उस टाइम पे भी ये आपका सेम ही फीचर है, सेम आप मीन जब आप इसको अगर हीटिंग बाहर निकालने के लिए यूज करेंगे, तो ये हीटिंग बाहर निकालेगा यहाँ से, ये एयर के लिए स्पेस दिया गया है। और जब हम इसको कूलिंग के लिए यूज करेंगे, तो ये यहाँ से हवा अंदर लेगा, अंदर खींचेगा या सक करेगा, ये दोनों स्पेस इसी के लिए दिए गए हैं। तो ये आपकी इस कैबिनेट की ओवरऑल अनबॉक्सिंग थी। कोई भी आपका क्वेश्चन हो या कोई भी क्वारी हो, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये अनबॉक्सिंग और वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसके लिए हमारे इस वीडियो को और हमारे इस प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब शेयर कीजिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आपको जितने भी हमारे नए लेटेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, हम आपको वो सबसे पहले उनकी डिटेल्स पता चलेंगी। आपको इस कैबिनेट के साथ एक 120 mm का रेनो LED फैन होगा,
ये आपको मैंने अनबॉक्सिंग में पहले ही दिखाया था कि इसके साथ एक पेन आपको मिलेगा,